हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश राशन कार्ड के लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करें। तो दोस्तों, अगर आपने राशन कार्ड बनवा लिया है और अभी तक अपना राशन कार्ड को नहीं चेक कर पाए हैं कि राशन कार्ड बन गया है कि नहीं बन गया है, तो बहुत ही आसानी तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि राशन कार्ड लिस्ट में अपना नाम है कि नहीं है। और दोस्तों, अगर आपका नाम लिस्ट में होगा तो आप जो सरकार के द्वारा जो है मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, तो आप भी राशन जो है मुफ्त में राशन पा सकते हैं। तो आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, आप इस वीडियो के माध्यम से समझ जाएंगे कि राशन कार्ड के लिस्ट में नाम कैसे चेक किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं राहुल प्रिंटिंग प्रेस चैनल। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने मोबाइल में ओपन कर लीजिएगा गूगल क्रोम, और गूगल क्रोम ओपन करने के बाद में उस पर आप डाल दीजिएगा राशन कार्ड, और राशन कार्ड डाल के आपको एंटर प्रेस कर देना है। तो दोस्तों, आप अपने मोबाइल में ही आप घर बैठे बहुत ही आसानी तरीके से चेक कर सकते हैं कि राशन कार्ड के लिस्ट में नाम है कि नहीं है। सर्च पे जैसे प्रेस करेंगे कुछ इस तरह का ओपन होके आ जाएगा। तो आपको सबसे ऊपर वाले लिंक पे प्रेस कर देना है जो लिखा होगा nfsa.up.gov.in, और नीचे लिखा होगा राशन कार्ड nfsa.com गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो आपको इस पे प्रेस कर देना है। तो आप इसको जैसे प्रेस करेंगे ये वेबसाइट हमारे सामने कुछ इस तरह का ओपन होके आ जाएगा। दोस्तों, इस वेबसाइट का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, आप वहाँ से वेबसाइट पे डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो सकते हैं। और वेबसाइट ओपन होने के बाद में यहाँ पर देखिए पूरा जिले का नाम यहाँ पर शो होके आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर जिले का नाम। तो आप जिस भी जिले के रहने वाले हों आप उस जिले पर प्रेस कर दीजिएगा। उस जिले पर जो है आप जैसे प्रेस करेंगे तो ये नेक्स्ट स्टेप जो है कुछ इस तरह का हमारे सामने ओपन होके आ जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, तो अगर आप जो है नगरीय क्षेत्र से हैं तो यहाँ पर देखिए टाउन लिखा होगा, तो आपको टाउन में चूज कर लेना है जो भी आपका टाउन हो। और अगर आप जो है ग्रामीण क्षेत्र से हो, यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रामीण क्षेत्र और यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लॉक, तो आप अपना ब्लॉक को चूज कर लीजिएगा। तो आप नगरीय क्षेत्र से हो या ग्रामीण क्षेत्र से हो उसका टाउन और ब्लॉक चूज कर लीजिएगा। और ब्लॉक को चूज करने के बाद में ये देखिए यहाँ पर अब आ गया है ग्राम पंचायत। तो आपका जो भी ग्राम पंचायत हो अपने ग्राम पंचायत पे प्रेस कर दीजिएगा। और ग्राम पंचायत पे जैसे प्रेस करेंगे ये नेक्स्ट स्टेप हमारे सामने कुछ इस तरह का ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है दुकानदार का नाम, और यहाँ पर पात्र गृहस्थी, और यहाँ पर लिखा हुआ है अंत्योदय, और यहाँ पर लिखा हुआ है योग्य। तो आप जिस भी राशन कार्ड में चेक करना चाह रहे हो, मान लीजिए आप पात्र गृहस्थी में चेक कर रहे हो और या अंत्योदय में चेक कर रहे हो, तो आप उसके राशन कार्ड नंबर पे आपको प्रेस कर देना है। ये देखिए ये जो है राशन कार्ड नंबर ब्लू में है, ये नीले कलर में है, तो आपको इस पर प्रेस कर देना है। तो दोस्तों, आप राशन कार्ड नंबर पे जैसे प्रेस करेंगे ये पूरी लिस्ट हमारे सामने ओपन होके आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पर पूरा लिस्ट हमारे सामने शो होके आ रहा है, जो कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है राशन कार्ड संख्या लिखा हुआ है, और इधर धारक का नाम लिखा हुआ है, और यहाँ पर पिता या पति का नाम लिखा हुआ है, और यहाँ पर माता का नाम लिखा हुआ है, और यहाँ पर कुल यूनिट लिखा हुआ है। तो जो धारक का नाम लिखा हुआ है आप इसमें जो है इस वाले नाम में जो है अपना नाम यहाँ से ढूंढ लीजिएगा। जहाँ भी आपका नाम होगा यहाँ से आप बहुत ही आसानी तरीके से इसको ढूंढ लीजिएगा, आप चेक कर लीजिएगा नाम जो है राशन कार्ड लिस्ट में है कि नहीं है। और अगर होगा ये देखिए जो नाम लिखा हुआ है, ये मान लीजिए आपका नाम है, तो आपका नाम लिखा हुआ है तो यहाँ पर देखिए पिता या पति का नाम भी लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा कि ये पिता या पति का नाम जो है सही है कि नहीं सही है। और अगर सही होगा तो आप जो है राशन कार्ड नंबर पर आप प्रेस कर दीजिएगा, तो आपका राशन कार्ड जो है पूरा ओपन होके आ जाएगा। इस पर हम जैसे प्रेस करेंगे ये देखिए यहाँ पर पूरा नाम जो है हमारे सामने शो होके आ गया है। देखिए पूरा राशन कार्ड हमारे सामने ओपन होके आ गया, कितने इसमें कितना यूनिट है और कितने लोगों का नाम ऐड है इसमें देखिए पूरा यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर देखिए 9 यूनिट है, तो यहाँ पर 9 यूनिट जो है पूरा शो हो रहा है। और अगर आप जो है किसी भी मेंबर्स का नाम ऐड करवाया हो तो यहाँ पर भी आप ये चेक कर सकते हैं कि उसका नाम ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है, और किसी का नाम कटा होगा तो यहाँ पर भी शो हो जाएगा। इसको जो है आप नज़दीकी दुकान पर जा करके इसको प्रिंट कर लीजिएगा, और प्रिंट करवाने के बाद में आप जो है राशन कार्ड ले सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे कि राशन कार्ड के लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक किया जाता है और कुल यूनिट कितनी है उसको हम कैसे पता करें। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।